हेलो भाई, मैं हिमांशु यादव। स्वागत है भाई आपका हमारे चैनल पे। भाई आज हम बात करने वाले हैं बलेनो डेल्टा की। तो भाई ये डीएल रजिस्टर गाड़ी है और फुल मॉडिफाइड है। एक बार इसका वॉक अराउंड देख लो। देख लो इसके अलॉय कितने सही लग रहे हैं। पीछे से भी इसमें काफ़ी सारे मोड्स हो रखे हैं। लाइट आप देख पा रहे हो, वो सब हम डिटेल में अभी बात करेंगे। एक बार पूरी देख लो। इसके एलोए बहुत सही है। इसमें आगे स्प्लिटर्स भी डले हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से। फ्रंट में बीच में आप देख रहे हो सुजुकी का एक बहुत बड़ा सा लोगो दिख जाएगा आपको यहाँ पे, और उसके साइड में एक ब्लैक सी ग्रिल, नीचे आपको क्रोम की वो दिख जाएगी, एक बीडिंग सी पूरी लाइट तक है वो, हेडलाइट तक। हेडलाइट इसकी प्रोजेक्टर वाली है। हेडलाइट में इसकी प्रोजेक्टर डले हुए हैं वाइट लाइट के। नीचे आपको एलईडी दिख जाएगी एक, ये देख लो ब्राइटनेस कम कर दी, एलईडी दिख जाएगी। यहाँ पे आपको कोई भी वो नहीं मिलता, फॉग लैंप नहीं मिलता। नंबर प्लेट देख लो यहाँ पे है। नीचे की तरफ इसमें एक और ग्रिल है और यहाँ पे इसके यूनिवर्सल स्प्लिटर है। सेम इस साइड है। चलते हैं दूसरी तरफ। इसका जो टायर साइज है भाई वो है 215 45 R17। 17 इंच के टायर हैं, बहुत वाइड हैं। तो मैं आपको दिखाऊं तो देख लो कितने वाइड हैं, एक हाथ भी पूरा नहीं पड़ रहा। तो इसके टायर इसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी बना देते हैं। इसमें स्टिकर्स भी डले हुए हैं आफ्टर मार्केट। इसका जो इंडिकेटर है वो फेंडर पे नहीं आता, वो ORVM पे ही आता है। यहाँ पे देख लो ये रहा LED है। यहाँ पे नीचे की तरफ आपको एक क्रोम की बीडिंग दिख जाएगी, ये यहाँ से पूरी एंड तक है। डोर हैंडल आपको कोई भी क्रोम वगैरह के नहीं मिलेंगे, ये नॉर्मल है वाइट कलर बॉडी कलर। यहाँ पे इसका पेट्रोल का आपको टैंक मिल जाएगा। पीछे की तरफ अगर हम बात करें तो पीछे से ये गाड़ी भाई बहुत सही लगती है। देख लो एक बार, ब्राइटनेस कम करें ज़रा इसकी। तो ये देखो इसकी ये लाइट्स हैं, आफ्टर मार्केट हैं, और ये बहुत सही लाइट है भाई। देखो ये दो बीच में बड़ी बड़ी लाल कलर की, ये ब्राइट हो जाती है ब्रेक लगने पे ब्राइट हो जाएंगी। और इधर देखो तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ इसका इंडिकेटर दिख जाएगा। इसकी रिवर्स लाइट भी LED है और ये बहुत सही लग रही है पीछे देखने में। थोड़ी सी इधर आते हैं, यहाँ पे आपको बलेनो की बैजिंग दिख जाएगी। ये रे यहाँ पे आपको इसके ऊपर की तरफ एक क्रोम ग्रिल दिख जाएगी, क्रोम की ग्रिल। नीचे भी आपको कोई क्रोम की ग्रिल नहीं मिलती। नीचे आपको इसकी नंबर प्लेट मिल जाएगी कस्टमाइज। थोड़ी सी इस तरफ आए तो यहाँ पे आपको कोई भी रिफ्लेक्टर वगैरह नहीं है। पार्किंग सेंसर्स कार में है, कोई भी बैक कैमरा नहीं है। एक बार बूट और दिखाऊँ मैं आप। तो भाई बूट कार का बिल्कुल भरा पड़ा है। इसमें आपको पीछे की तरफ 4 स्पीकर देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पे एक आपको बड़ी सी बेस ट्यूब या जो भी सबवूफर इसे कहते हैं वो देखने को मिल जाएगा। साउंड बहुत तगड़ी है इस कार की, बात करेंगे वो हम। यहाँ पे आपको इसका मैग्नेटिक बटन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे पकड़ के इसे बंद कर सकते हो। करते हैं इसे बंद, चलते हैं आगे। ऐसा भाई आपको कार का फ्रंट डोर देखने को बैक डोर देखने को मिल जाएगा। पास से दिखाऊं थोड़ा जूम करके, तो यहाँ पे आपको पावर विंडो अप डाउन का मिल जाएगा। ये कोई ऑटोमेटिक वाला नहीं है। यहाँ पे आपको डोर क्लोज डोर ओपन ओपनर मिल जाएगा, यहाँ पे लॉक अनलॉक मिल जाएगा। देख लो भाई इसका रियर जो सीट्स है, यहाँ पे आपको ऐसे कुछ ये मिल जाएंगी फैब्रिक सीट्स। बैठ के भाई कार की स्पेशियस कार है, अच्छा खासा स्पेस है इसमें, कोई वो नहीं है कि दिक्कत हो। यहाँ पे आपको एक सॉकेट मिल जाएगा, बीच में कोई भी आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलता। यहाँ पे 4 टोटल गाड़ी में हेडरेस्ट आते हैं, वो 2 भी आगे के हटा रखे हैं। तो ये देख लो भाई ऐसे ग्रैब हैंडल है उधर, सेम इस साइड है विद सम हैंगिंग स्टोरेज। फोकस होता है तो ये देख लो हैंगिंग स्टोरेज के साथ है। और हेडरेस्ट पीछे भी है, बीच में आपको यहाँ पे कोई भी कप होल्डर वगैरह नहीं मिलता। सीट्स इसकी 60-40 स्प्लिट हैं। बलेनो तो हम आपको दिखा ही चुके हैं, मेन तो बस यही था कि इस कार में जितना काम हो रहा है वही दिखाना। तो काम काफ़ी अच्छा हो रखा है इस कार में,
और ये देखो फ्रंट, पीछे से फ्रंट का कैबिन कुछ ऐसा दिखता है। अब आते हैं फ्रंट सीट्स पे भाई, ऐसा कुछ आपको गाड़ी का फ्रंट डोर दिख जाता है। देख लो एक बार पास से दिखाऊँ, ये ड्यूअल टोन कह सकते हो आप, ये और ये अलग अलग कलर है। देखो यहाँ पे इसके सारे विंडोज़, पावर विंडो से रिलेटेड कंट्रोल मिल जाएंगे, लॉक अनलॉक से मिल जाएंगे। रियर विंडो लॉक कर सकते हो यहाँ से, यहाँ से टर्न ORVM को आप ऑन ऑफ कर सकते हो। तो बैठते हैं एक बार गाड़ी के अंदर। नीचे आपको एम्प दिख जाएगा गाड़ी में, कोई भी सीट हाइट एडजस्टेबल नहीं है। वहाँ पर आपको इसमें 7D मैट्स भी दिख जाएंगे गाड़ी में। चलें एक बार अंदर। आ गए हैं भाई हम बलेनो के इंटीरियर में। ये एक प्रीमियम हैचबैक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। ऐसी आपको इसकी MID मिल जाएगी, जो सेम उस मैग्मा कलर वाली बलेनो की तरह है। ये भी पेट्रोल है, वो भी पेट्रोल थी, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, दोनों कार सेम है। यहाँ पे आपको इसका आफ्टर मार्केट स्टीरियो दिख जाएगा, जैसा उसमें आफ्टर मार्केट था, ये अलग है थोड़ा। यहाँ आपको वाइट LED लाइट्स दिख जाएंगी। इस साइड आपको वैनिटी मिरर दिख जाएगा बगैर लाइट के। यहाँ पे ग्रैब हैंडल, सीट इसकी फैब्रिक है, सीट कवर का काम होगा वो हम आपको दिखा देंगे। 7D मैट्स। ऐसा आपको यहाँ पे इसका डैशबोर्ड मिल जाता है, जिसमें बहुत सामान आ जाता है। कोई कूल्ड वगैरह नहीं है, AC कार का बहुत अच्छा है, AC में कोई कमी नहीं है कार के। फैन स्पीड अभी 1 पे है, फिर भी कार बिल्कुल चिल्ड हो रही है, और बाहर का मौसम भी अच्छा है। ये देखो बाहर बारिश हो रही है, और इसका भी सेम यहीं से चेंज होता है सब। तो यहाँ से इसकी लाइट्स वगैरह हम सब बढ़ा सकते हैं। पेट्रोल गाड़ी है, स्टार्ट है, बिल्कुल आवाज़ नहीं है गाड़ी में। ऐसा लगता है ब्लैक शीशे करा रखे हैं कार के। देखो अच्छी लगती है, इससे कार का लुक आ जाता है। पर ये कोई भी मतलब हम आपको रिकमेंड नहीं कर रहे कि आप ये कराएं। ये देख लिए, वो भाई का शौक है, भाई को पसंद है मॉडिफाई कराना कार को, इसलिए करा रखा है। चलो बलेनो डेल्टा का आपको एक बार मैं लाइट्स का थ्रो और दिखा दूँ, तो देखते हैं इसकी लाइट्स कैसी हैं, कैसे काम करती हैं। देखो भाई ऐसी आ जाती है इसकी लाइट्स, पास से देख लो, पीछे चलते हैं थोड़ा। लाइट्स का थ्रो काफ़ी अच्छा है इसका, बहुत अच्छी लगती है दूर से दिखने में। DRLs जब की DRLs भाई काफ़ी अच्छी लगती है दिन में। पीछे से थोड़ा सा और दिखाएं, इधर घूमें। पास से साइड से लुक देख लो इसका एक बार। ये कंपनी देती है, डेल्टा बेस से एक ऊपर वाला वेरिएंट है उसमें ही देने लग जाती है। ऐसा भाई कुछ हमारा ये रिव्यू था इस कार का, आपको कैसी लगी बता देना कमेंट में एक बार, और रिम्स ज़रूर बताना इसके अलॉयज कैसे हैं। तो और गाड़ी का रिव्यू देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।